Hey, Uru family, welcome back to my channel. Yet another podcast, a very important podcast. Hamare special guest hamare saath maujood hain, Dr. Yasir Rafiq. Aur aaj wo hame bahut si cheezon ke bare mein answer karne wale hain. He had cleared his FMG exam. Unhone bhi bahut problems jhele hain jo ek student, obviously ek medical student ko jhelne hoti hai. Lekin unhone ye sab jhelne ke baad bhi har cheez accomplish kar li hai. So I have collected a sets of questions. Ye questions mere nahi hain, ye sab aap logo ke hi hain jinhone mujhse puche hain. Kyunki hamesha se main chahta hu aapke questions wahi log answer kare jo ye sab se guzar chuke hain aur har cheez ka answer unke paas maujood hai. So I don't need to introduce him. He can introduce himself. Please Dr. Yasir, please enlighten our students. Okay, thank you, Shiv, to having me here. Myself, Dr. Yasir Rafiq, recently I cleared my FMG exam. And now I am just waiting for my internship allotted college. So, now I'm waiting just. So, you're back in India right now, yeah? Yeah, I'm in India. Itte dinas bahar bita kar बाहर का खाना खा, अरे फाइनली इंडिया. यार इंडिया में तो खैर आ गए. उसकी सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये प्रिपरेशन टाइम जो अभी खत्म हुआ, ये सबसे मुश्किल वाला दौर था. क्योंकि एक एफएमजीस के लिए सबसे भारी, जो सबसे हार्ड टाइम होता है, वो मुझको लगता है यही होता है कि आप अपने एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं. कहाँ है, कोई घर पे होता है, कोई दिल्ली में होता है, कहीं भी होता है. So it's a very hard time for any FMGs, I think. So वही चीज, सारे क्वेश्चंस मैं यही सब चीज कवर करना चाहता हूँ. मैंने पूरी लिस्ट बना ली है. देखते हैं इसका सब कितनी चीजें निचोड़ पाते हैं. So ये सब तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा. क्वेश्चंस तो मैं पूछूं. पहला क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपको मतलब मेडिसिन फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कब मिला, कब आपने सोचा कि नहीं मुझे मेडिसिन ही करना है. आप जानते थे ऑलरेडी कि कितनी कठिनाइयां आने वाली हैं, कितने साल मुझे इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि ये एक प्रतीक्षा है. ये मेडिसिन ऐसा है नहीं कि आप तुरंत घुसते ही सोचोगे कि लाखों लाख कमाने लगे या कुछ करने लगे. तब भी लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो यही चीज आप एक बार स्टूडेंट्स को एनलाइटन करें कि आपके लिए क्यों जरूरी था मेडिसिन में जाना. वेल शिव, मैं मेडिसिन जो है, एज अ डॉक्टर मैं शुरू से ही मोटिवेटेड था. मेरे अंकल थे, ही पास्ड इन दी कोविड. सो अभी वो नहीं है. सो डॉक्टर नफीसुल हसन, सो ही वाज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन दी सऊदी अरब दम्माम. सो बचपन से ही मैं उनको देखता था, एडमायर करता था. तो मेरे अंदर मतलब एक काइंड ऑफ शौक था कि मुझको भी ऐसा डॉक्टर बनना है. सो ये चिंगारी जो है, ये तो स्कूल टाइमिंग से ही था. ऐसा नहीं है कि बाद में मुझको फोर्स किया गया कि आपको डॉक्टर बनना है. ये मेरा खुद का ही डिसीजन था, खुद का पैशन था और शुरू से ही था. कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रहा कभी भी. चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के जनरेशन जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, दे आर लाइक क्विक मनी. जहां से आ जाए सेकंड में पैसे कमा लो. कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो दो तीन महीने में पैसे दुगने कर लो, कहीं सट्टा लगा लो. क्योंकि दिस वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू दिस ओनली. जहां देखता हूं ऐप्स चल रहे हैं, दल्लाबाजी चल रही है, सट्टाबाजी चल रही है. दिस जनरेशन दे आर फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप. सो पूरा लगता है, लेकिन कुछ हमारे जैसे भी हैं जो इंस्पायर करने के लिए हैं. आप जैसे लोग हैं, बाकी और भी प्रोफेशनल्स हैं जो साबित करके दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई, अभी भी ये सब चीज में स्कोप है. So the very second question for me would be, it's very important, क्योंकि foreign education आपने की है, बाहर से पढ़ाई की है. क्या challenges आपके रहे किसी बाहर जाकर, किसी foreign country में पढ़ना? आपने सब चीजों कैसे टैकल किया, ओवरकम किया, कैसे क्या क्या दिक्कतें आई, if you could tell us. राइट. सो बाहर जाके पढ़ना लाइक मेरे लिए भी कोई बहुत आसान नहीं था. ये फर्स्ट टाइम मैंने जब डिसीजन लिया, अपने पेरेंट्स को बोला. सो द गुड पार्ट इज दैट कि मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे. उन्होंने जब मैंने बोला ट्वेल्थ के बाद कि एक बार मैंने नीट दिया था, लेकिन इंडिया का क्या कैसे कॉलेजेस मिलता है वो तुमको भी अच्छे से पता है. तो मुझको लगा कि मैं अगर इसमें रहूंगा फंस जाऊंगा. मुझको किसी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, तो फिर मैंने अपने फादर से बोला. तो उन्होंने मतलब इस चीज पे मेरा सपोर्ट किया कि अगर तुम जाना चाहते हो, तुमको बिलीव है खुद पे, तो तुम जा सकते हो. तो यस, फिर मैंने यूक्रेन का, उस वक्त मेरे फ्रेंड ने जो बताया था वो यूक्रेन का था. मैंने इवानो से कंप्लीट किया अपना.
ये जर्नी, तो वहाँ का मुझको सारा डिटेल्स पता चला, फिर यस मैंने अप्लाई किया, फिर हो गया. सो मैं इसमें सबसे बड़ा जो वो है अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को स्पेशली देना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन में या पढ़ने में हमेशा वो स्टैंड बिहाइंड मी. सो उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं जा सकते ऐसा वैसा कुछ. बहुत से पेरेंट्स यूजुअली फिर क्या ना, सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, बता रहे बाहर बच्चे को भेज, बाहर का ही रह जाता है, तो ये चीज आपका एग्जांपल दूंगा, ये तो बाहर के नहीं रहे, ये तो वापस आ गए हाँ हाँ हैं नहीं नहीं वही बात है. रखा है। ये डिपेंड करता है बच्चों पे, आपको क्या परवरिश मिली है। बच्चा हमेशा माँ बाप से टच में रहेगा, अगर आपको हमेशा मतलब बोलते हैं ना, माँ बाप ने जैसा साया रखा है राइट उस राइट हिसाब राइट से राइट बच्चे बनते हैं वैसा। तो जो दूसरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड मेरा है कि बच्चे लोग बहुत बोलते हैं यार बाहर वो क्वालिटी नहीं है, बाहर वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी जो इंडिया में जितनी प्रैक्टिस कराई जाएगी, कि क्या कैडेवर्स मिलेंगे, क्या कुछ मिलेगा, क्या फैसिलिटीज सारे अवेलेबल होंगे जो मेडिसिन में चाहिए, जो प्रोफेसर जो है इनफ इंग्लिश जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिफरेंस था इंडिया में और बाहर। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है. मैं बाहर गया और मैं काफी सेटिस्फाइड भी था, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, वो आपको जो पढ़ा, थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, वे ऑफ पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन चीजें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं. और रही बात जैसे क्लासेस की हो गई, तो फर्स्ट ईयर में जैसे हम लोग का एनाटॉमी था, फिजियो था, फिर आपके एक एक बढ़ते आते हैं, बायोकेम बढ़ा, फिर मेडिसिन, फार्मा, ऐसे आते रहे. और सबसे मेन चीज जो है वो ऐप, तो अब तो सारी चीजें ऑनलाइन भी आ गई हैं, तो आप अपने इंडियन टीचर से भी पढ़ सकते हो, अपना बेसिक मजबूत कर सकते हो. एंड आई यूज टू वॉच द डॉक्टर नजीब वीडियो टिल 3 ईयर्स. थर्ड ईयर तक मैंने डॉक्टर नजीब का ही वीडियो देखा है. मेरे पास उस टाइम तक कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं था, उसके बाद मैंने जी प्रेप लिया. तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट टू बिल्ड दी बेसिक्स. सो यस, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मैं जहां तक ऑब्जर्व करता हूँ कि वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं. आपको इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है, और सारी चीजें होती हैं, पढ़ाई जो पढ़ना चाहेगा, आई थिंक कि ऐसा कोई बैरियर नहीं है. प्रॉपर एनाटॉमिकल बिल्डिंग है वहां पर सारे। हाँ हाँ सारी चीजें हैं. कैडेवर भी वहां पे अवेलेबल हुआ था हम लोग को, बहुत सारी चीजें. तो फर्स्ट ईयर में तो वो हम लोग के लिए सारी चीजें नहीं थी, लेकिन अब समझ में आता है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. सारी चीजें जो जितनी नीड होती हैं, वो सारी चीजें मिली हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छा क्योंकि रहा. इसमें जो मैंने देखा है वहां पर यूरोपियन सिस्टम पहले ज्यादा फॉलो करता है, एक टाइल वाइज बोलते हैं हम लोग, कि थ्योरेटिकल पहले फिर प्रैक्टिकल बाद राइट में, राइट टाइम बाय राइट टाइम राइट राइट यही होता कंप्लीट करो। और फर्स्ट ईयर है. में थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हमारे जैसे इंडिया में स्कूलिंग सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह भी इन्वॉल्व है, राइट क्योंकि राइट हाँ, वो 16 थोड़ा साल बोरिंग हो जाते थे लगता था, लेकिन यस जा सकते हैं। हाँ, क्या ऐसा में था. है कि आपको 11वीं और 12वीं कंप्लीट करनी पड़ती है, वहां पर ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि 16 साल के बाद भी बच्चे घुस पाते हैं अगर उनके स्कोर्स राइट अच्छे। राइट हाँ, हाँ, सही कह रहे हो तुम. वैसे उनको ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट्स हमें भी रिपीट करने पड़े। हाँ, फर्स्ट ईयर में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो थोड़ा सा बोरिंग मुझको भी उस टाइम लगा था, कि ये क्या इलेवन ट्वेल्थ का माइक्रोबायो फिर से स्टार्ट हो गया. राइट राइट हुआ था ऐसा. तो कुछ चेंजेस तो होंगी इंडियन एंड यूरोपियन फंक्शन उसमें, सिस्टम में. और दूसरी चीज जो मैं चेंजेस हमेशा से नोटिस की है, ग्रुप्स छोटे छोटे होते हैं एज कम्पेयर राइट टू, राइट वहां पर ग्रुप्स 20 ग्रुप हो, 22 ग्रुप हो, जितने भी हो सारे मिक्स होंगे, और उसके लिए उतने प्रोफेसर अवेलेबल होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम राइट कराते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, ये सब तो बात की बातें, हम लोग पॉलिटिकल बातें कुछ करेंगे नहीं, हम सिर्फ प्रिपरेशन की बात करेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं राइट कितनी राइट दिक्कतें आप लोग को आई हैं वॉर की वजह से, अरे आना सही जाना, बात. ट्रैवल, फिर FMC की लड़ाई, फिर NMC की लड़ाई, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन गैजेट्स, ये सब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आने वाले जनरेशन को बताने वाले हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, और ये सारी जो डरे हैं और जो खौफ है FMG का कि एग्जाम क्लियर करने का, इसे कैसे टैकल करना है। तो जो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई FMG के लिए, क्योंकि FMG का ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि ना आप मेडिसिन कभी कंप्लीट कर सकते हो, जीवन भर आप मेडिसिन कंप्लीट नहीं कर सकते, जिंदगी भर पढ़ता रहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा आपने टेक्निक अपनाया जिसने आपको FMG क्लियर करने में हेल्प किया? ऑफ कोर्स सही बात है कि कोई इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ तक आप पढ़ सकते हो. लेकिन ऑफ कोर्स मैं वहां से आने के बाद, यूक्रेन में क्रॉक एग्जाम होता है, तो उसमें बहुत सारी हेल्प मिली. वो तो खैर हो गया, वहां का वो क्लियर हो गया. लेकिन FMG के लिए मैंने बताया कि थर्ड ईयर के बाद मैं ये प्रेप लैडर यूज करता था, तो उससे काफी हेल्प मिली. बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स क्लियर हो गए, और कुछ कुछ, लेकिन बहुत इंटेंस नहीं मैंने प्रिपेयर किया था. नॉर्मल अपना जिसमें इंटरेस्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके वीडियोस देख रहे हैं, कुछ MCQs कभी कभी कर लिया. सो ये सिस्टम था यूक्रेन में.
लेकिन आने के बाद यहाँ पे मैंने आने के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं क्लियर हुआ था, कुछ मार्क्स से रह गया था, तो मैंने उस टाइम खुद ही तैयारी किया था, प्रेपलेटर से ही किया था। फिर उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि घर पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ घर के काम, कुछ और भी, आदमी फैमिली में होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कुछ भी होता है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली में जाऊंगा। सो वहां जाके मैंने कोचिंग ज्वाइन की, और जो मेन स्ट्रेटेजी इसका ये था कि कंसिस्टेंसी, मैं सबसे ज्यादा जो बिलीव करता हूँ कि आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मोटिवेटेड हो भी रहे हो तो 1-2 दिन, हफ्ते भर, उसमें कितने भी आवर्स पढ़ लो वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप 8 घंटे ही रोज पढ़ रहे हो, 6 महीने तक पढ़ रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो मुझको लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो कोर्सेज वगैरह लिए आपने, कुछ ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, बच्चों को बता सकते हैं कि वो भी थोड़ा इंस्पायर हो गए और थोड़ा अपना खुद का रिसर्च भी कर पाए। और कुछ चीज़ें ये भी मैं बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ आप अपने तरफ से सजेस्ट करेंगे, क्या सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या आपके लिए कुछ डिफिकल्ट था, कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आपको दिक्कतें आई? ऑफकोर्स यार, प्लेटफॉर्म तो मुझको लगता है कि वो कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है। पर्सनली मैंने प्रेपलैडर यूज किया था और उसी का क्यू बैंक भी किया था, और ऑफकोर्स मेरे पास वो मारवा सर की वो FMG सॉल्यूशन बुक आती है, वो काफी हेल्पफुल रही, वो भी मैंने यूज किया है। सारे सब्जेक्ट्स का नहीं किया, लेकिन जो मेन मेन सब्जेक्ट्स थे उसके मैंने MCQs FMG सॉल्यूशन से भी बहुत हद तक लगाए थे। और जहां तक तुम ये बोल रहे, क्या सॉरी क्या बोल रहे तुम, स्ट्रेटजी, स्ट्रैटेजी जैसे किस तरीके से आप पढ़ रहे थे, कहाँ चीज़ में कौन राइट, से पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कौन हाँ, से सब्जेक्ट्स में देखो, मैंने जो सबसे मेरा, मैं पहले वीक सब्जेक्ट्स का बताता हूँ कि जो मुझको लास्ट टाइम तक मतलब रुला के रखा था, वो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, फार्मा, ये सारी चीजें। मुझको लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है, तो हाँ खैर ये था दिक्कत, तो इसको कि ऐसे ही बस इसको करते थे रिवीजन। लेकिन मेरा जो मेन फोकस था, मैंने बड़े सब्जेक्ट्स पे ज्यादा रखा था, सर्जरी पे, ऑप्स गाइनी पे, और ये इस पे क्या बोलता हूँ, मेडिसिन पे। तो मेडिसिन का मैंने मारवा सर से ही ऑफलाइन में जितना पढ़ा था, उनके सिर्फ नोट्स को ही मैंने रिवाइज किया था, और FMG सॉल्यूशन से उनके क्वेश्चंस लगाए थे। मुझको लगता है आप जितना ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट करते हो ना कई सारे सोर्सेज पे, वो बेनिफिशियल नहीं होता है। आप अगर किसी भी टीचर का पढ़ रहे हो तो उस चीज को मल्टीपल रिवाइज करें, वो ज्यादा बेहतर है, और एक ही सोर्स से मतलब ज्यादा मल्टीपल टाइम्स MCQs लगाएं, GTs वगैरह, ये हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जी हाँ जी ये जी बोल, जी तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, देखिए कैसा है, FMG की रेशियो बहुत ही कम आती है, तो आपने जैसे एग्जाम क्लियर किया, आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि लोग क्या गलतियां कर रहे होंगे? आपको भी, आपने भी अपने कलीग्स को देखा होगा, बहुत से लोग नहीं कर पाए होंगे, उनके एक्टिविटीज देखी होंगी, उनकी दिनचर्या देखी होगी, किस हिसाब से आप कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें भी बहुत बदनामी होती है कि बाहर से बच्चे आके नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ इंडिया में भी बच्चे बहुत नहीं क्लियर कर पाते हैं, वही रेशियो आता है, बाहर भी नहीं कर पा रहे कुछ, जो वही रेशियो आता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पॉइंट आप देना चाहेंगे? यार राइट, ये चीज तो है यार, ये बहुत बिटर ट्रूथ है कि रेशियो बहुत कम है। और टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि निकाल लिए तो वो सब दिन याद नहीं है, वो अभी भी बहुत पेनफुल होते हैं। मतलब एक डर बना होता है कि रेशियो इतना कम है, और तैयारी, आप कितने भी तैयारी कर लो ना, आपको एक मतलब अंदर से डर रहेगा कि इतने कम है। आप अपने सामने अपने लाइब्रेरी में देख रहे हो कि ये थर्ड अटेम्प्ट से बैठा हुआ है, सेकेंड अटेम्प्ट से बैठा हुआ है, तो आपको खुद पे ही सेल्फ डाउट होने लगता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो सबसे बड़ी चीज यही है कि सेल्फ डाउट होने लगता है जितना रिपीट होने लगता है। सो मुझे लगता है कि इसमें ये है कि आप अपना देखो, और एक एक सोर्स पे स्टिक करके रखो, जो भी सोर्स यूज कर रहे हो, मैरो कर रहे हो, प्रेपलेडर कर रहे हो, या कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है तो उसी का सोर्स है। तो उसको हमारे टीचर्स भी बोलते थे कि अगर कोई नोट्स है उसको मल्टीपल रिविजन और MCQs और अपना GTs वगैरह देते रहो, सो ये ज्यादा इम्प्रूव करता है आपके परफॉर्मेंस को, ये चीज मेरा भी मेन यही कंसिस्टेंसी मानना है। है, मेन है, फोकस है, हाँ एक बिलीफ रखो, नहीं राइट तुम right. निकालोगे, दुनिया को देखते जी रहे 3-4 साल, हाँ, वो करते रहे तो उस डर में क्योंकि क्योंकि अगर तुम्हारा, आप उस देखते रहे ना, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देता है कि आप सामने देख रहे हो कैसे ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो ऑफलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं, जो गौतम नगर में स्पेशली जाके हैं, वहां ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे। और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि
वो मेहनत भी करते हैं, मतलब नो डाउट, ऐसा नहीं लगता है कि वो बस घूम रहे हैं, वो मेहनत भी करते हैं। कभी कभी लगता है कि मतलब सबका हो रहा है, इनका क्यों नहीं हो रहा है, अपना भी ऐसा लगता था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे ऐसे नहीं है कि जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, शायद उनका वो दिन नहीं है या उनका उस टाइम लक अच्छा नहीं है, लेकिन बात यही है कि आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ ही पढ़ो, सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क। ये तो सारे पॉइंट्स हो गए एफएमजी के रिलेटेड। अब मैं पूछना चाहूंगा आपका भी फ्यूचर गोल क्या है? अभी तो आपने एफएमजी क्लियर कर लिया है, क्या करना चाहते हैं? स्पेशलाइजेशन, पीजी वगैरह क्या आपने सोच रखा है? राइट यार, यार अभी तो खैर कैसे कैसे करते करते ये एफएमजी क्लियर हुआ है, लेकिन यस हम लोग जब पीडिया पढ़ते थे तो उस टाइम डॉक्टर संदीप सर हैं, मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड रहता हूँ, तो वो बोलते थे कि जब तुमको एफएमजी का सक्सेस मतलब होता है ना कि किसी को खून मुंह लग जाता है, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर एक और वो आ जाएगा कि तुम पीजी निकाल सकते हो जब तुम खुद से एफएमजी निकालोगे। तो यस मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि जब एफएमजी निकाल लिया, जब ऐसा फील हुआ, तो मुझको लगता है कि नहीं कर सकते हैं, जब ये कर लिया तो ये भी कर सकते हैं, तो अगर कोशिश करेंगे। और मेरा ड्रीम मैंने बताया ना कि मेरे अंकल थे वो चाइल्ड स्पेसिफिस्ट थे, तो शुरू से खैर मेरा यही सब ड्रीम रहा है कि मैं भी एक दिन वैसा करूँ, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा फोकस और ड्रीम तो यही है कि इसी फील्ड में जाऊँ, मैं पीडियाज में ही करूँ। है एक और सवाल, ये थोड़ा पॉलिटिकल भी हो सकता है, पर मैं चाहूंगा आप ओके थोड़ा okay. ट्रांसपेरेंटली बताएं कि ओके okay. आप मेडिसिन का फ्यूचर इंडिया में क्या देख रहे हैं। जैसे करंट सिनेरियो चल रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी डॉक्टर्स पे हमला हो जाता है, ओवर टाइम कराया जा रहा है विदाउट स्टाइपन, या स्टाइपन के नाम पे भी बहुत चुनिंदा मतलब ना के बराबर पैसे दिए जाते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत पॉडकास्ट कवर कर चुका हूँ ये प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप इसकी क्या राय देना चाहते हैं? एंड विद द करंट सिनारियो व्हाट आई हैव नोटिस कि बहुत बच्चे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत बच्चे अब बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ना ही सिर्फ मेडिसिन बल्कि बहुत फील्ड्स के लिए, क्योंकि उनको ये दिख लग रहा है कि चलो मैं डिग्री कर भी ले रहा हूँ तब भी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी में दिक्कत आ रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गई है। तो ये सब चीज़ पर आप क्या बोलना चाहेंगे? राइट यार, इट्स अ वेरी सीरियस इशू आई थिंक। मैंने भी सुना ये नीट आपका हो गया एक बार, वो रातों रात एग्जाम चेंज हो गया डेट, सो ये बहुत सीरियस इशू है। मैं इस पर बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वाकई एक बच्चा पूरा 6 महीना तैयारी कर रहा है, वो इस मेंटल स्टेटस से जूझ रहा है, तैयारी कर रहा है, और आप रात में चेंज कर देते हो, तो वो तो खैर वही जानता है, क्योंकि मेरे साथ लाइब्रेरी में भैया लोग थे पीजी की तैयारी कर रहे थे रात में, वो सारा मतलब वो आखिरी नाइट जो होता है ना, उस टाइम तक आप क्या क्या मतलब पूरा अपने एक्सट्रीम लेवल का टॉप मतलब जितना आप नॉलेज एक्स्ट्रा मतलब ले सकते हो, एज अ होता है ना कि ये आपका थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते कोई भी इंसान, तो वो एक लास्ट नाइट ऑफ द एग्जाम वो आदमी थ्रेशोल्ड रिवाइज करके जाता है, और वहां जाके उसको रात में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये एक हेल्थ इशू, हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत सीरियस इशू है, जिसको या तो सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इन चीजों को लेकर वाकई बच्चे जो हैं, चाहे वो नीट यूजी में हो, वो पेपर लीक वाला मैटर जो तुम बता रहे हो, उसमें भी कितने बच्चे परेशान हुए, क्या क्या सब उस पे इशू हुआ, मैं तो ज्यादा नहीं देखा, लेकिन ये सारी चीजें सुनने में आई, तो मुझको सच में इस पे भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ये क्या होगा, अभी तक कोई सा क्लियर वो भी नहीं आया कि क्या होगा, अब हो रहा है कि नहीं, वो लीक हुआ ही नहीं था पेपर। सो इस पे खैर वर्क करना चाहिए जो इस लेवल पे लोग हैं, या इस पे गवर्नमेंट को इशू एक स्टैंड लेना चाहिए कि एटलीस्ट एजुकेशन को एक ट्रांसपेरेंसी उस पे लाएं, और स्टाइपेंड के नाम पे भी तुमने सही कहा, कई कॉलेजेस में तो मिल ही नहीं रहा है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पहले हो गया था, उन कितने को नहीं मिल रहा है, अपना भी नहीं पता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बस यही है कि फ्री में इनको काम चलाइए, चाहिए काम करने वाला क्या ही है, देखो क्या होता है, लेकिन मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर में आप काम तो पूरा करा रहे हो इंटर्न से। काम पूरा सेम ही होगा, बस ये है सिंस यू आर कॉल्ड इंटर्न तो आपको हाँ, उसके ही हिसाब से। एंड यू गॉट एजुकेशन फ्रॉम द अब्रॉड, सो यू विल नॉट पे एनी मनी, सो ये एक तरह से तो बहुत ही गलत हुआ, इस पे क्या ही कोई बोल सकता है यार, इस तो लोगों को खुद समझना चाहिए और इस पे सोच रखनी चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि मैं ये आफ्टर ऑल जी जो जो आ मेरे रहे हैं वो एग्जाम क्लियर करके ही तो आ रहे हैं, अब तो डिस्क्रिमिनेशन मत करो वहां उसके बाद से। ये चीज है, ये थोड़ी पॉलिटिकल इशू आ ही जाती है। जब बच्चा अगर साबित कर दे रहा है कि भाई मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, तुम्हारे एग्जाम तुम्हारे यहाँ आके मैंने क्लियर कर दिया, तो
तो इसके बाद हर चीज़ इक्वालिटी मेंटेन हो जानी चाहिए। अब यही बात हम बाहर की करें, बहुत से कंट्रीज़ हैं, मैं सारी कंट्रीज़ नहीं बोलूंगा कि इसका मतलब ये नहीं, बाहर अब्रॉड बोल दिया तो हर कंट्री अच्छी होती है, क्योंकि मैक्सिमम राइट कंट्रीज़ राइट खराब चल रही हैं आज के ज़माने में। कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ भी हैं जो गिने चुने कंट्रीज़ बोल सकते हैं हम उन्हें, वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन एंड एवरीथिंग वहाँ अवेलेबल है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कंट्री में चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ बोलनी चाहिए, क्योंकि हर कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये हैं जो बिजनेस कर भी रहे हैं, जिसके डिप्लोमा रिकॉग्नाइज ना भी हो सकते हैं। अगर आपकी डिप्लोमा रिकॉग्नाइज नहीं थी तो आप FMG भी नहीं दे पाते। तो ऐसे ही राइट सेम राइट सिनेरियो ऐसा हो सकता है बहुत यूनिवर्सिटीज का भी। तो यही चीज है, बच्चा अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत लॉज है, राइट रेगुलेशन है, जो अगर आप पढ़ लिख भी लिए लेकिन अब वो लॉज को अबाइड नहीं कर पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। बस यही है यही कि ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूंगा इंडिया में थोड़ा इक्वालिटी, थोड़ा डिस्पैरिटी नहीं, कम हो ग्रेजुएट्स वो के तो लिए भी, के उस लिए लेवल भी। पे, उस लेवल पे जो है उनको जरूर सोचना चाहिए कि वैसे भी वो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको उतना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो सीख सकें, उनको स्टाइपेंड देना चाहिए कि कम से कम अब से वो बेसिक नीड्स के लिए कम से कम उनको सारी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो डॉक्टर्स पे, इंटर्न्स पे कोई भी ये लड़ाई वाला सीन हो गया, किसी ने मार दिया, तो कुछ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। खैर पहुंचे वहां तक अगर आवाज, तो ये अच्छी बात है कि कुछ तो सोचना ही चाहिए इस पर। जी, और दूसरी चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है, जो बहुत मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं बच्चे, वो तो FMG अपीयर करने का भी सोचते नहीं है। उनका दिमाग में ही रहता है मुझे USA USMLE कर लूँ, या UKMLE कर लूँ, या FSP एग्ज़ाम कर लूँ, या और भी बहुत से ऑप्शन है। इटली में है, क्या बोलते हैं, आजकल तो बहुत फेमस हो रहा है, स्पेन भी फेमस हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं, मैं बाहर ही सेटल हो जाऊं, क्योंकि उनको डिस्पैरिटी नहीं चाहिए, उनको तुरंत पैसा कमाना है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, जूनियर डॉक्टर बन के ही आपका एक सैलरी पे चालू हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस आप पीजी करना चाहें। अगर आप पीजी नहीं करना चाहते, थोड़े टाइम आप अपने आप को पैसा कमा के स्टेबल करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन है। तो यही चीज़ मैं भी थोड़ा चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि बच्चा अपने आप को स्टेबल महसूस कर सके आफ्टर कंप्लीटिंग मेडिसिन। और 5 से 6 साल दे रहा है, अगर एग्जाम भी लग रहा है तो 1 साल 2 साल और, फिर इंटर्नशिप मिला के, तो 10 साल करने के बाद भी अगर आप अपना धनराशि नहीं बना कर पा रहे हैं तो थोड़ा दिल में फील हो जाए। सही बात है कि थोड़ा सा इंस्पायर्ड होना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज से कि वो अपना हेल्थ सिस्टम कितना स्टेबल रखे हुए हैं, या अपने डॉक्टर्स को कितना अच्छा पे कर रहे हैं, एटलीस्ट सिक्योरिटी तो दे रहे हैं कि वो पीटे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन होप करते हैं बेस्ट के लिए कि वी होप फॉर द बेस्ट कि चीजें अच्छी हों और इसमें अवेयरनेस आए और सारी चीजें सही तरीके से चलें। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस थे। अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप इन एप्लीकेंट्स को, जो भी फ्यूचर एप्लीकेंट्स ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से ड्रॉप आउट्स ले भी लिए होंगे, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि इंडिया में पढ़ना है, बाहर पढ़ना है, किस हिसाब से डिसीजन लो कि आपको सेटल इंडिया में होना है, बाहर होना है, एक आप प्रॉपर एक अगर व्यू दे देते तो थोड़ा उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यार मुझको इस पे लगता है कि इट्स ऑल अप टू यू कि तुम क्या फील करते हो। ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए कि तुम बाहर जाना चाहते हो, कि तुमको लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं मुझको इंडिया में ही करना है, सो दे आर वेरी फिक्स्ड इन देयर माइंड कि मुझको इंडिया में ही करना है। तो ठीक है, मेरा भी एक फ्रेंड था, उसने काफी वक्त लिया लेकिन इंडिया में ही करना है, इंडिया में ही किया उसने, वक्त लगा थोड़ा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझको बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं वहां जाके उसको यूटिलाइज करूंगा, सही वे में लूंगा, उसमें प्रिपेयर करूंगा, आके फिर कर लूंगा, सो कोई ये बुरा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वी आर वन ऑफ देम, कि बाहर से किया हमने, यहाँ आया, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वहां भी करनी पड़ेगी, आने के बाद भी करनी पड़ेगी। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या लगा। अगर आपको अपने पे बिलीव है, सबसे पहले तो खुद पे बिलीव भी रखना जरूरी है। अगर आपको अपने पे बिलीव है तो आप बाहर आराम से जा सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। 5 साल बहुत अच्छा टाइम होता है, आप ऐप वगैरह ले सकते हो, जो चीजें हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, आने के बाद एग्जाम्स दे सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है ऑफ कोर्स, बाहर से आप कर सकते हो। यहाँ इतना ड्रॉप आउट अगर ले रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पेरेंट्स अग्री हैं, तो इट विल बेटर यू चूज दी अब्रॉड टू फॉर स्टडी। मेरे पर्सनल सजेशन हमेशा से रहेगा, आई वुड नेवर रिकमेंड ड्रॉप, कि आप दो दो तीन तीन चार चार साल ड्रॉप ले रहे हो, कोई ये ड्रॉप ईयर्स आपको कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनाने वाले हैं, और ये बस आपको उंगली खाएंगे, क्योंकि मेडिसिन ऑलरेडी 8 से 10 साल ले लेती है। अगर आप PG स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन का सोचेंगे तब तो आप खुद जानते हैं अच्छी खासी टाइम लग जानी है। तो आप अगर ज़िंदगी भर पढ़ने में निकाल दिया, इतना मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रह जाओ कि घर में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ऐसा भी काम नहीं। और ये भी मैं अपने
तरफ से सजेस्ट करता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास हो और आपके पेरेंट्स को तंगी है, लोन वोन का है, इश्यू है, तो प्लीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मत चूज करो कि लोन के चक्कर में आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ले लिए बस इस नाम पे कि वो इंडिया का कॉलेज है, इस नाम पे। लेकिन ये चेक नहीं किया कि वहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट्स अवेलेबल भी हैं, कि प्रॉपर फैकल्टी अवेलेबल भी है, क्योंकि चाहे आप यहाँ से करो या बाहर से करो, जब आपको अब तो नेक्स्ट ही निकालना है, अब तुम प्राइवेट में 2 करोड़ 1.5 करोड़ लगाकर फिर एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो ऊपर से लोन के पैसे भी चुकाने पड़ जाएंगे और अटेम्प्ट्स भी मल्टीपल अवेलेबल नहीं है। सही बात है। ये चीज़ भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं दूसरी चीज़ ये भी बताता हूँ कि यार बाहर भी अगर जा रहे हो तो प्लीज़ रिसर्च करके जाओ कि नहीं, बहुत जरूरी है, रिसर्च करके जाना बहुत एटलीस्ट जरूरी है। तुम्हारी डिप्लोमा बस रिकॉग्नाइज हो कि हर जगह तुम एग्जाम दे सको, बाकी हर चीज़ तुम पर डिपेंड करेगी, लेकिन डिप्लोमा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ये राइट नहीं राइट, एटलीस्ट यू हैव टू चेक दैट योर यूनिवर्सिटी इज अंडर द एमसीआई लिस्ट और नॉट, क्योंकि ये सबसे या जरूरी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो एमसीआई रिकॉग्नाइज है कि नहीं। जी ये जी चीज तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा केसेस ऐसा सुना है कि कर लिया वो एमसीआई रिकॉग्नाइज नहीं था, तो फिर वो जीरो है, कितना भी मेहनत कर लो। तो अच्छे से रिसर्च करके एग्जैक्ट जाना तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट MCI हो गया, WHO हो गया, फाइमर हो गया, हाँ हाँ बहुत राइट सारे ऐसे हैं, ये सब कंसिडर करोगे तो इसका मतलब ये है कि इन यूनिवर्सिटीज ने पेंस लिए हैं अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए, रिकॉग्नाइज कराने के लिए, मतलब इनके यहाँ से रिसर्च वर्क्स वगैरह गई हैं, अच्छे खासे डॉक्टर्स निकले हैं, तभी इनकी नाम हुई राइट है। राइट तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि किसी को एड देख लिया कि आप 15 लाख में डिग्री ले लो, 20 लाख में ले लो, हाँ ऐसे राइट 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 ऐसे देश चले गए जिसका ना नाम सुना ना कुछ सुना, छोटी सी बिल्डिंग के नाम पे हॉस्पिटल्स बने हैं, इनके खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं है, खुद की प्राइवेट फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी को इंग्लिश के नाम पे कुछ नहीं आती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, और राइट कोर्स क्लासेस हो नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे पढ़ रहे हो, फिर बाद में कल को आप आके बोलो NMC ने मेरे को कंसिडर क्यों नहीं किया, तो आपको सही खुद बात को सोचना पड़ेगा कि आप उसके लायक हो भी कि डॉक्टर बनो। तो ये चीज़ मैं सही बहुत बात देख है, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप तो अपनी जिंदगी का 5-6 साल देने जा रहे हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए जो इस फील्ड में है, और प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या है। बस ये बात तो सही है कि ऐसे ही किसी भी ऐड पे उठ के नहीं चले जाना चाहिए कि बस चले गए, या मेरा फ्रेंड जा रहा है तो चलेगा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बहुत चीज़ वही चीज़ें बहुत दिक्कत है, खासकर कि आज के टाइम पे तो दिल्ली मुंबई ये सब तो हब बने हुए हैं, कि राइट हर दिन एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ को टॉप यूनिवर्सिटीज़ कैसे बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता, किस बेसिस पे टॉप बोलते हैं, इनसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ लो तो ये बता नहीं सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, हाँ बट नहीं वी राइट, आर सही बात है, होते हमें हैं। इस एक करेक्ट पाथवे बता देना है कि भाई तुम अभी से ही सोच के रखो, क्योंकि लोग तो गलती करेंगे, बहुत से बच्चे हैं गलती राइट करते हैं, हमारे पास भी आते हैं बहुत हैं, 6 साल करने के बाद डिप्लोमा वेस्ट हो गया है उनका, वो कुछ नहीं कर सही पाए, बात स्टार्ट करना पड़ रहा है, राइट इट्स ऑल अप टू यू। सो ये थे मेरे बेसिक क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ऑब्वियसली इसके वीडियो के बाद हमारे पास और क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एंड आई होप कि आपके पास अभी तो ऑब्वियसली अभी आप थोड़ा अभी रिलैक्स करें, उसके राइट बाद राइट इंटर्नशिप ईयर वगैरह स्टार्ट होगी तो आप बहुत बिजी होने वाले हैं, एंड आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मतलब इंटर्नशिप के टाइम पर शायद आपकी शिफ्ट्स कितनी सारी भी लग सकती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों से बात कर लिया है, ओवर टाइम पे ओवर टाइम कराया जाता है, काम राइट करना पड़ता है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बट आई वुड लव दैट यू कैन ज्वाइन अस अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास क्वेश्चंस और आने ही वाले हैं, और बच्चे हमेशा कोर्स ऑफ कोर्स आई क्यूरियोसिटी विल लव टू भरे रहते जॉइन। हैं, एंड यू आर गोना बी अ रोल मॉडल फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने जो चीज़ किया है इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एवरीवन, उतना फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग, बिकॉज एक इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है इंडिया में उसने इतनी स्ट्रेस नहीं झेली होगी जो आपने झेली है, गवर्नमेंट के थ्रू से भी क्या क्या झेल के वापस आए, सोसाइटी ने भी बहुत कुछ बीच में टोका राइट होगा, राइट क्या हो गया क्या नहीं हो गया, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, सो इट्स गोना बी अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन कनेक्ट विद अस अगेन, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम डॉक्टर, सो आई होप थैंक यू सो इट मच वॉज अ ब्रो, ग्रेट पॉडकास्ट, थैंक्स थैंक फॉर यू, बींग हियर। थैंक यू।